92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज, मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमाया के साथ। नमस्कार, मैं हूं भावना सुमाया और आप सुन रहे हो बिग टॉकीज। हमारे आज के मेहमान है मधुरिता आनंद। मधुरिता आनंद ने डॉक्यूमेंट्रीज की है, फिल्में बनाई है। पहली फिल्म का नाम था मेरे ख्वाबों में जो आए और अब दूसरी फिल्म के लिए तैयार है। दूसरी फिल्म का नाम है कजरिया। मधुरिता, हमारे स्टूडियो में आने के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक यू, आपने बुलाया। मैंने आपको पहले भी बोला, इट्स एन ऑनर टू बी हियर विद यू। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, अगर आपको आपका परिचय देना हो जी, तो आप किस तरह से अपना परिचय दोगे? मैं दिल्ली की लड़की हूँ, बम्बई से मेरा कोई वास्ता नहीं, लेकिन मेरा एक्सपीरियंस सारी दुनिया के साथ ये रहा है कि अगर आप क्वालिफाइड हैं, आप में कॉन्फिडेंस है और जो आप कहना चाहते हैं वो मतलब रेलेवेंट है, तो लोग क्यों नहीं करेंगे कोऑपरेट। मैं एक ट्रेन फिल्म डायरेक्टर हूँ, मैं फिल्म स्कूल गई, मैं पढ़ी और मैं डे वन से डायरेक्टर ही बनना चाहती थी। लेकिन ये था कि पहले मुझे ये लगता था कि मैं डॉक्यूमेंट्रीज ही बनाऊंगी क्योंकि मुझे लगता था वो बहुत प्योर फॉर्म है। लेकिन बना बना के फिर एक टाइम ऐसा आया, फिर मुझे लगने लगा कि मैं सिर्फ इंटरनेशनल चैनल्स के लिए बना रही हूँ और ये एक सर्टन टाइप ऑफ इंडिया देखना चाहते हैं जो शायद मैं दिखाना हर टाइम नहीं चाहती। फिर मैंने अपनी स्क्रिप्ट लिखनी शुरू की, पहली फिल्म बन गई, उसके बाद जैसे होता है ना, शेर को खून लग गया। लेकिन कजरिया मैंने, मेरी जो पहली फिल्म बनी थी उससे पहले लिखी थी। अच्छा, और ये मेरा एक ड्रीम प्रोजेक्ट है। क्या है इस ड्रीम प्रोजेक्ट में खास? कजरिया फीमेल इन्फेंटिसाइड के बारे में है कि कैसे हमारे मुल्क में पिछले कितने दशकों से सारी जो छोटी बच्चियां पैदा होती है उसे मार दिया जाता है धर्म के नाम पे, सोसाइटी के नाम पे, और औरतों के पास क्योंकि कोई डिसीशंस नहीं रहता, इसकी वजह से मर्द जो है जो औरतों के साथ करना चाहते हैं वो करते हैं, मगर ये नहीं समझते हैं कि अगर सारी औरतों को वो मार देंगे तो आगे चलकर बच्चे कैसे पैदा होंगे। जी बिल्कुल। तो ये एक्चुअली फिल्म उस हिपोक्रेसी के बारे में है जो हमारी सोसाइटी में फिलहाल है, जो हम सोचते हैं अरे ये तो कहीं गाँव वगैरह में ऐसी चीज़ें होती हैं, ये ख़राब बातें तो वहाँ होती हैं, हम लोग तो बड़े अच्छे हैं, हम तो लड़कियों को देखिए कैसे अच्छे से रखते हैं, हम सब देखिए इस कमरे में औरतें बैठी हैं तो क्या ख़राब है। लेकिन एक्चुअली बहुत कुछ ख़राब है। आप ज़रा से एक इंच नीचे जाइए तो वही बात यहाँ पे भी चल रही है। ये हम जानते हैं कि सेक्स रेशियोज़ आज साउथ बॉम्बे और साउथ दिल्ली में ज़्यादा गिर रहे हैं विलेज के मुकाबले, लेकिन हम उसके बारे में बात नहीं करते हैं। लेकिन मोर देन दैट, हम सोचते हैं कि मैं एक औरत हूँ, मैं यंग हूँ, मैं ओल्ड हूँ, मैं आदमी हूँ, आप वही बनेंगे जो आपके सर्कमस्टांसेस आपको बनाएंगे। क्या बात है। और यही फिल्म है क्योंकि देखिए ये दो औरतें हैं, एक औरत है जो विलेज में रहती है और वो उसकी सर्कमस्टांसेस ऐसे थे तो वो ऐसी बन गई। अब वो स्विट्जरलैंड में पैदा होती तो नहीं होता उसके साथ, वो टाइम एंड प्लेस की विक्टिम है। तो लोगों को हम कितना हार्शली जज करते हैं कि तुम अलग हो मैं अलग हूँ। एक्चुअली हम अलग नहीं, हमारे सर्कमस्टांसेस अलग है, वी ऑल एक्चुअली द सेम। सो दैट इज अ बेसिक थिंग अबाउट दिस फिल्म। जी, मधुरिता से हम थोड़ी ही देर में जानेंगे कि कजरिया जो उनकी फिल्म का टाइटल भी है और प्रोटैगनिस्ट भी, को उन्होंने कैसे और कहाँ कंसीव किया और किस तरह से अपनी ऑडियंस के सामने पेश किया। कजरिया को हम बहुत सारे डिस्क्रिप्शंस दे सकते हैं, जैसे इसे हम रूरल इंडिया के बारे में कह सकते हैं, इसे हम सेक्स रेशियो के बारे में कह सकते हैं, इसे हम दो औरतों की कहानी भी बता सकते हैं और उनके प्रोफेशंस की भी कहानी कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो मुझे लगा, क्योंकि मैं इस प्रोफेशन से हूँ, मीडिया के बारे में भी है जी, कि कितनी सारी बातें मीडिया बदलती है और मीडिया वो दिखाती है जो मीडिया देखना चाहती है। मेरा सवाल ये है कि कजरिया जो एक विक्टिम है जी, क्या ऐसी कोई औरत को आप जानते हो? एक्चुअली मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ, एक बहुत ही बड़े फिल्म मेकर है वर्नर हर्ज़ोग, वो जर्मनी के जैसे सत्यजीत रे हैं, तो उनके अंडर मैंने काम किया था। तो वो एक, उन्होंने एक बहुत ही वंडरफुल सेंटेंस मुझसे एक बार ही कहा था, उन्होंने कहा कि फैक्ट्स आर द अकाउंटेंट्स ट्रूथ, मतलब जो आप अगर सिर्फ स्टेटिस्टिक्स बता रहे तो उसमें कोई ट्रूथ नहीं है। तो जो कजरिया का कैरेक्टर है, शी इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कैरेक्टर्स हु आई नो, एक तो है वो दाई जो बच्चियां मारती हैं और दूसरी ये है कि जो एक औरत होती है जो एक विलेज में ऐसे गॉडेस बन के रहती है ना, कि वो काली चढ़ती है उनको, तो ये अलग है। और क्या है कि ये दो एक्सट्रीम्स हैं,
एक तो बिल्कुल ही तुम बिल्कुल जैसे दाई को इस तरह से एक गंदा सा काम दे दिया कि तुम जाओ और बच्चियां मारो और एक यू नो लो प्लेस, और दूसरी तरफ गॉडेस कि अरे वाह ये तो माता है, गॉडेस कंबाइन कर दिया जी, इसलिए उसका नाम खजरिया है और उसके रूम में हमेशा काली माता की तस्वीर रहती है। तो मुझे लगा कि वो जो हिपोक्रेसी है ना कि ये हमारी माता है और तुम गंदी हो, तो मैंने उसको बिल्कुल ही मतलब ना मंजूर कर दिया इस कैरेक्टर के साथ। तो मैं वो भी नहीं और मैं ये भी नहीं हूँ, इसीलिए मैंने उसको कैरेक्टर को कंबाइन कर दिया, तो एक मेरी ना मंजूरी है उसमें, मेरा रिबेलियन है जी। थोड़ी देर में जानेंगे मधुरिता आनंद से कि दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में उनकी फिल्म किसको बहुत अच्छी लगी और किस तरह से उन्होंने मधुरिता को ये जाहिर किया। हाल ही में उनकी फिल्म कजरिया रिलीज हुई है और ये फिल्म को बहुत ज्यादा प्रोत्साहन मिला है इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स में। इस फिल्म का सब्जेक्ट नेक है और संदेश नेक है, इट इज अबाउट फीमेल इन्फेंटिसाइड। ये जर्नी ना सिर्फ कजरिया की है उसके अपने बिलावेट के साथ, मगर जर्नलिस्ट की जर्नी भी है उसके अपने बिलावेट के साथ, और कहीं पे ये दोनों औरतें एक बन जाती है। वो सीन है जिसमें उसका वो हाथ पकड़ती है, कहती है मैं तुझे समझती हूँ, तो वो एक मोमेंट में मुझे वो जो मैंने जिस तरह से कंस्ट्रक्ट किया था कि वो एक हो जाती है, उस मोमेंट में वो एक कैरेक्टर है। आपको पता नहीं ये मीरा है, ये कजरिया, ये कजरिया, ये मीरा है, दे चेंज प्लेसेस। ये पर्पसली ऐसे लिखा था। और मेरे को एक बात बतानी आपसे कि मैं हमने दुबई इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में किया था जब डेब्यू, इस फिल्म को प्रीमियर किया था, तो पहला स्क्रीनिंग वाज ऑल इंटेलेक्चुअल ऑडियंसेस, तो बड़ा मज़ा आया। ऑफ कोर्स बातचीत जैसे हमारी हो रही है बहुत मज़े से हुई। सेकेंड ऑडियंस में बहुत सारे ड्राइवर्स जो दुबई के हैं वो आ गए। वाह, तो मैं डर गई, मैंने कहा अब ये आदमी हैं ड्राइवर हैं। स्क्रीनिंग ख़त्म हुई, ये लोग चले गए, मैंने कहा चलो इनको पसंद नहीं आए। नेक्स्ट डे जब हम जाने लगे, हम होटल से बाहर आए तो सारे ड्राइवर वहाँ हमारी वेट कर रहे हैं, एंड दे ऑल क्राउडेड अराउंड मी। एंड मेरे को यू नो जो इंटेलेक्चुअल जितना हम बात करते हैं, इनको सब समझ में आ गई, उनको इतना टच किया कि ये दोनों कैरेक्टर्स एक थी। वो बार बार ये बात कहते गए कि देखिए हमको ऐसे लगा फिर एंड में कि वो एक ही हो गई, आपने क्या कमाल कर दिया, और ये ड्राइवर्स। और मुझे तब लगा कि जो हम सिनेमा, अगर आप इमोशनल लेवल पे एक सिनेमा बनाते हैं तो इट कैन नॉट फेल, क्योंकि कोई भी है आप कुछ भी किसी तरह से भी देखिए, एज फिल्म मेकर्स हम बहुत सेरेब्रल हो जाते हैं, हमारा शॉट ऐसे है, साउंड ऐसे है। मैंने जैसे पूरी फिल्म पॉइंट्स ऑफ व्यू शूट करी है, तो मैं पॉइंट ऑफ व्यू शूट किया, लेकिन उनको वो सब नहीं दिखा, बट दे फेल्ट इट। एक डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर के लिए कितना मुश्किल या आसान है एक फीचर फिल्म बनाना, आपके हिसाब से माइनस क्या होता है जब डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकर फीचर बनाता है तो? डज ही गेट टू मच इनटू द रियलिटी एंड मिस समथिंग? नहीं, आई डोंट थिंक दैट, बट आई थिंक वी सफर मोर देन एवरीबॉडी एल्स, बिकॉज वी हम इतना अपने आप को रिसर्च में खो देते हैं कि हम अपने आप को बहुत दुख देते हैं एज फिल्म मेकर्स। जैसे मेरी अगली फिल्म एक थ्रिलर है ब्रॉथल में सेट, तो मैं अभी 6-7 महीने प्रोस्टिट्यूट्स के साथ घूम रही हूँ। अब वो प्रोस्टिट्यूट में जी, अब वो उनकी लाइफ में बहुत सोचती हूँ सारा दिन। मेरे को उसका एक है, वो मुझे बहुत फ़ोन करती है, वो कहेगी वो आज मेरा बेटा था, मैंने उसको स्कूल में डाला हुआ है, वो स्कूल छोड़ के जाके मतलब गैम्बलिंग टाइप कर रहा था, तो मैंने उसको बहुत पीट दिया, वो सो गया, मेरे को बहुत बुरा लग रहा है। तो मैं उसकी ज़िंदगी में ना बिल्कुल खिंच सी गई। फिर एक टाइम मुझे लगने लगा कि मैं कर क्या रही हूँ, क्योंकि मैं एक्टिविस्ट तो हूँ नहीं, मैं इसकी ज़िंदगी सुधार नहीं सकती, और इसका दुख ले के सुन के मैं इसको फिल्म में फुली कन्वर्ट भी नहीं कर सकती, क्योंकि हर लाइफ विल नॉट गेट टर्न इनटू फिल्म। ऑल आई एम डूइंग इज कि मैं अपने आप को दुख दे रही हूँ। सो तो ये फिल्म मेकर डॉक्यूमेंट्री फिल्म मेकिंग में एक कथार्सिस है। इनफैक्ट आई एम वेटिंग फॉर दैट डे कि मैं कोई फिल्म कोई मैं बनाऊँ जिसमें मैंने रिसर्च ना किया हो। सो आई एम हैप्पी टू हैव टॉक्ड टू यू। थैंक यू सो मच लवली, एंड लॉट्स ऑफ लक। थैंक यू वेरी मच। अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक और नई कहानी और बहुत सारे किरदार को लेकर। तब तक के लिए जुड़े रहिए 92.7 बिग एफएम पर। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं बिग टॉकीज, मशहूर फिल्म क्रिटिक और ऑथर भावना सुमाया के साथ।